हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो केक, जो कि सूजी से बना हुआ है। घर में आपके पास आसानी से जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उससे बनाया है। देखिए, इसके लिए हमने एक पका हुआ बड़ा आम लिया है, बहुत ही मीठा वाला आम लेना है। इसके लिए इसको छील कर चॉप करेंगे। चॉप करके एक ग्राइंडर में इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है। पैन को गर्म होते ही हम उसमें अपना जो मैंगो प्यूरी है, मैंगो का जो गूदा लिया है, पल्प लिया है, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसके साथ एक कप चीनी लेंगे। आप चीनी पीस कर भी ले सकते हैं, खड़ी चीनी लेनी है हमें। इसे एक सिरप की जैसा, एक थिक सिरप की जैसा, इसका पेस्ट जैसा बनाना है। इसको हम ग्लेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको जब ये शुगर अच्छे से इसमें डिजोल्व हो जाए और जब मैंगो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब तक इसे पकाना है। ये देखिए, ये हमारा ग्लेज तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम एक कप सूजी लेंगे, उसे ग्राइंड करेंगे। अच्छे से इसका पाउडर बनाना है। आपके पास जो भी सूजी अवेलेबल हो, मोटी वाली या पतली वाली, एक बोल में निकाल लेंगे सूजी को पीसने के बाद। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप, मैंने यहाँ मैदा लिया है, ये ऑप्शनल है, आपको लेना है लीजिए, अदरवाइज़ आप सूजी ले सकते हैं। अब यहाँ ऐड करेंगे 1/2 कप, मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है, आप रिफाइंड और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप मिल्क यूज़ किया है। नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क ऐड कर दीजिए और इसको मिक्स करेंगे। सारे मिक्सचर को अच्छे से हम एक विस्कर की हेल्प से क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके साथ अब मिक्स करने के बाद जो हमने मैंगो पल्प बनाया था, रेडी किया था, उसको ऐड करेंगे। तो हमने आधा यहाँ पर यूज़ किया है और थोड़ा सा ग्लेज बचा लिया है। मिक्सर को 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना टिन तैयार करते हैं। केक टिन को हम ग्रीस करेंगे ऑयल, बटर या घी के हेल्प से, और उसके बाद अब हम इसमें डस्टिंग करेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैदे से यहाँ पर डस्टिंग की है, जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो हम निकाल लेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हमने रेडी बैटर लिया है, उसको देख अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के हिसाब से बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर को डाल के हमें बहुत ज़्यादा बिस्टर्ड नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से इसको बीट करना है। और साथ में थोड़ा सा जो दूध हमने बचाया था, मिल्क, वो ऐड करके इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, बेकिंग पाउडर के बाद बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाना है। मिक्सर हमारा रेडी है। केक टिन में अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे और टैप करना ना भूलें। टैप करने से एयर बबल निकल जाएंगे। अब एक कढ़ाई में, उसको हमने प्री हीट किया था, उस पर हम केक टिन रखेंगे और उसे ढककर कम से कम 40 से 50 मिनट हम इसे बेक होने देंगे। जब 30 से 40 मिनट हो जाएं, तब आप इसे बीच बीच में एक दो बार चेक कर लीजिएगा। देखते हैं, अब एक नाइफ की हेल्प से इसे चेक करेंगे। ये नाइफ देखिए क्लीन निकला, इट मीन्स आपका केक रेडी है। ठंडा करेंगे, डीमोल्ड करेंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, केक हमारा बहुत ही स्पंजी बना है। ये देखिए, मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। हर तरफ से देखिए कितना स्पंज है इसमें, बहुत ही स्पंजी मॉइस्ट बना है। अब हम इसे मैंगो ग्लेस से यूनिफॉर्मली स्प्रेड करके डेकोरेट करेंगे। इससे एक फ्रूटी पंच आता है, खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। पूरा मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। देखिए, हमारा मैंगो केक एकदम रेडी है। अब हम इसे किसी भी सिरप से, मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप लिया है हर्शीज़ का, उससे डेकोरेट किया है। आप चाहें तो किसी चीज़ से भी, ड्राई फ्रूट्स के साथ भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये केक बहुत ही आसानी से बन जाता है। घर में ये सारी चीज़ें आराम से अवेलेबल होती हैं। आम का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, आप ये केक ज़रूर बनाएं और अपने घर में सभी को खिलाएं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।